हमारे पास नंबर लिखा है पर दो तरीके से, एक में कॉमास ऐसे हैं 23 के बाद कॉमा, 45 के बाद कॉमा, 67 के बाद कॉमा, बट दूसरे वाले में 234 के बाद कॉमा, 567 के बाद कॉमा। तो हमने देखा दोनों में डिफरेंट कॉमास हैं, तो हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सबसे पहले तो हमें पता चला ये वाला जो कॉमा का स्टाइल है ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, और ये वाला जो कॉमा स्टाइल है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ये हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं बात। तो अब हमें जैसे ही ये पता चला ये इंडियन है और ये इंटरनेशनल है, तो हमारे लिए इसको रीड आउट करना बहुत ईजी हो गया। सपोज़ ये वाले इंडियन को मैं यहाँ लिखती हूँ 2345, मैंने लिखा 2345678। अगर अब मुझे इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से रीड आउट करना है तो मैं बोलूँगी 23,45,67,890। बट अगर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि इसके हिसाब से इसको रीड आउट करना है तो हम कैसे रीड करेंगे? 234,567,890। इंडियन और इंटरनेशनल में यही फ़र्क है कि कॉमास अलग तरीके से लगते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल है 600000। तो हम अगर इसको इंडियन से कंपेयर करेंगे तो ये क्या बना हमारे पास? 60 लाख। बट इंटरनेशनल के हिसाब से ये बना 6 मिलियंस। तो आपको पता चल गया 60 लाख इज़ इक्वल टू 6 मिलियंस। कोई आपसे पूछे कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे 1 मिलियन में, तो आप बता सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरोज़ आएंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की काउंटिंग करनी है, कन्वर्ट करना है, सब कुछ इस टेबल से हो सकता है आपका।